ये है हमारी अपनी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस FI BS6। आज मैं इस गाड़ी का दूसरा सर्विसिंग करने जा रहा हूँ। पहला सर्विसिंग जो मैंने किया था 800 किलोमीटर पे, 800 किलोमीटर जब गाड़ी चल गई थी तो मैंने पहला सर्विस किया था, खुद से ही किया था, मैंने शोरूम नहीं गया। और शोरूम में जाके फिर मैंने इसका सर्विसिंग जो बुक होती है उसका मैंने बिल कटवा लिया था। तो ये आप करा सकते हैं। बाकी जी दोस्तों, मैं दूसरा सर्विसिंग जो कर रहा हूँ तो ये गाड़ी अभी 3800 किलोमीटर चल चुकी है। ये देखिए यहाँ पे 3800 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैंने इसका जो इंजन ऑयल है वो 3000 किलोमीटर चला दिया, और 3000 किलोमीटर चलने के बाद इसका जो ऑयल गेज है हम खोल कर देखेंगे कि कितना कम हुआ है, ऑयल गेज में कितना कम हुआ है, और साथ में हम ऑयल खोल कर जो दिखाएंगे आपको नाप कर भी उसमें देखेंगे कितना कम हुआ है, वो हमें भी देखना है और साथ में आपको भी दिखाएंगे 3000 गाड़ी चलने के बाद मोबिल ऑयल कितना कम होता है, और ऑयल चेक करने का तरीका क्या है वो भी आपको बताएंगे। और साथ में दोस्तों, अगर अपने से ही खुद से गाड़ी अपनी सर्विसिंग कराना चाहते हैं या फिर घर में ही खुद करते हैं 5 सर्विसिंग तक, जैसे सर्विस सेंटर में फ्री रहता है शोरूम में, तो आप अगर खुद से भी करते हैं तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए और उसका सर्विस सेंटर में जाके कैसे आपको बिल कटाना है वो भी आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑयल चेक करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये इसका ऑयल गेज है। हम इस गाड़ी की दूसरी सर्विस कर रहे हैं। एक कपड़ा लेकर आपको इस तरीके से सफाई कर लेना है, इसको नीचे से साफ करना है। देखिए ये ऑयल गेज का पहले मैं आपको पहचान बता दूं, नीचे कर। जब भी हम नया ऑयल डालते हैं तो ये यहाँ तक रहता है, जब हम सीधा इसको डालेंगे और बाहर निकालेंगे तो ये यहाँ इस निशान तक बी तक ये बताएगा कि मोबिल का जो लेवल है यहाँ तक आएगा, और फिर जब गाड़ी हमारी चल जाती है 3000 किलोमीटर तो फिर ये यहाँ तक आ जाएगा या फिर ये बीच तक आएगा। तो देखते हैं इसका भी, गाड़ी बिल्कुल सीधा है, आपको सीधा डबल स्टैंड पे गाड़ी खड़ी करना है तभी ये सही लेवल बताएगा। ये मैंने सीधा लगाया, इसको टायर वायर कुछ भी नहीं करना है और डायरेक्ट हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए अभी इसका जो मोबिल ऑयल है दोस्तों ये आधा निकला है, और मैंने जब नया डाला था तो ये यहाँ तक था मोबिल ऑयल, ये यहाँ तक था, तो ये आधा इतना कम हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि मोबिल ऑयल इसके अंदर से निकलता है कितना है। हम झुका झुका के निकलेंगे, जिस तरीके से मैंने पहले निकाला था झुका के लेफ्ट साइड में, उसी तरीके से फिर मैं झुका के निकालूंगा। वैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हर हीरो की 100 cc बाइक में जो ऑयल गेज होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ था टॉपअप 3000 किलोमीटर, टॉपअप इस ऑयल गेज में लिखा हुआ है टॉपअप 3000 किलोमीटर्स। तो टॉप अप मतलब ये होता है जैसे कि 3000 गाड़ी चल चुकी है हमारी, तो फिर अभी जो ये लेवल बता रहा है, ये लेवल जैसे कम बता रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसका लेवल पूरा करेंगे, थोड़ा नया ऑयल डाल के इसके ऊपर फिर हम लेवल को पूरा करेंगे और ऑयल को हम यहाँ तक लाएंगे, इस गेज के यहाँ तक हम ऑयल को पूरा करेंगे। तो ये टॉप अप हो गया, और फिर जब ये ऑयल गेज पूरा हो जाएगा, लेवल पूरा हो जाएगा 3000 किलोमीटर में, तो फिर हम इस ऑयल को हम 6000 किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो ये एक मतलब ऑप्शन दिया गया है, सभी कंपनी वाले टू व्हीलर कंपनी जितने भी होते हैं सभी मतलब देते हैं ये ऑप्शन, लेकिन ये ऐसा करने से फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ये सही होता, अगर फ़ायदा भी होता तो कंपनी वाले फिर 3000 किलोमीटर में सर्विस कराने के लिए क्यों बोलते हैं, वो फिर लेवल करा देते ना, टॉपअप वो क्यों नहीं करते, जबकि टॉपअप वो करना चाहिए उन्हें। तो मैं इसका इंजन ऑयल चेक करके दिखाता हूँ। तो भाई ये देखिए, मैंने गाड़ी को 3000 किलोमीटर चलाया है तो ये ऑयल बहुत ही काला हो गया, जबकि मुझे पहले ही चेंज करना था, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के चलाया कि देखते हैं कि 3000 किलोमीटर में कितना ख़राब होता है इसका इंजन ऑयल। तो ज़्यादा परेशानी नहीं है 3000 पे, अब चला सकते हैं, बिल्कुल इतना चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने 1 घंटा पहले गाड़ी स्प्लेंडर BS6 का ऑयल चेंज किया है, वो 4500 किलोमीटर चला दिया था, तो उसका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मोबिल ऑयल। और साथ में हमने ये देखा जब किक दबा रहे थे तो किक स्लिप कर रहा था, तो किक स्लिप करने का मतलब है कि उसका जो क्लच प्लेट है वो कमज़ोर हो गया, जाहिर सी बात है कि क्लच प्लेट कमज़ोर हो जाएगी। तो इस बाइक का मैंने सिर्फ इंजन ऑयल चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। हीरो की 100 cc गाड़ी को, अगर गाड़ी का इंजन ऑयल अगर आप निकालते हैं तो आपको राइट साइड झुकाना होगा, क्योंकि उसका जो बोल्ट है ऑयल बोल्ट वो उस साइड में होता है, जिसका ऑयल बोल्ट इस साइड में होगा तो हमें इस साइड में गाड़ी को झुकाना है। तो मैंने एक बार झुकाया, अब दूसरी बार झुकाते हैं। तो अब सारे ऑयल निकल चुका है, अब हमें झुकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास हीरो का जेन्युइन ऑयल,
और ये ऑयल जो कंपनी बनाते हैं, जो हीरो को देते हैं, सेल करते हैं, तो उस कंपनी का नाम है, जो यहाँ देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर एंड पैकेजिंग बाय टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड। टाइड वाटर ऑयल कंपनी जो होता है ये विडोल भी अपना बनाता है, विडोल नाम करके आप देखेंगे तो ये इसी कंपनी का होता है, टाइड वाटर का ही, और टाइड वाटर वाले से ही लेते हैं माल हीरो वाले। उसका ओरिजिनल जो इंजन ऑयल होता है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ से इस सील को तोड़ना है। ये देखिए, इस सील को जैसे आप तोड़ेंगे तो इसे पकड़ने के बाद ये पूरा इस तरीके से बाहर की ओर निकल जाएगी। ओरिजिनल में सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर डुप्लीकेट होगा तो इस तरीके से सील जो है बिल्कुल आराम से नहीं निकलेगा, ये टूटेगा ही नहीं, आपको पूरा ये तोड़ना पड़ेगा। और ये देखिए, इसका ढक्कन बिल्कुल आराम से निकल गया। ये होता है ओरिजिनल का पहचान। दूसरा आपको लोगो देखना है, लोगो देखने के बाद आपको इंजन ऑयल देखना है। इंजन ऑयल जो होता है इसका बहुत ही अच्छा होता है। इंजन ऑयल मैं आपको दिखाता हूँ, हमने अभी हाल ही में एक वेल्वो लाइन कंपनी का मैंने ऑयल आपको चेक करके दिखाया था। ये देखिए, ये बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है। ये 10W30 होता है इसका ग्रेड, 10W30 होता है। अब मुझे ये चेक करना है इसका ऑयल, देखते हैं कितना हुआ। डायरेक्ट मैंने डाला और इसको हम ऐसे निकालेंगे, तो भाई देख सकते हैं जब मैंने पूरा 900 में इंजन डाला तो इसका जो निशान है ये यहाँ तक पहुँचा, ये इस गीठे तक पहुँचा हुआ है, देख सकते हैं। ये है ऑयल चेक करने का तरीका। अब जब ये गाड़ी 3000 किलोमीटर फिर से चल जाएगी तो इसका फिर ये लीवल जो है गेज का, ये यहाँ तक आ जाएगा, आधा आ जाएगा। और 4000 अगर चल जाता है या 5000 चल जाता है तो फिर ये बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगा। और 5000 जब गाड़ी चला देंगे, 6000, तो इसका मैं गारंटी के साथ कह दूँ कि क्लच प्लेट बेकार हो जाएगा। वैसे मैंने लेट कर दिया, मुझे 2500 किलोमीटर में ही चेंज करना है। इस बार मैंने जानबूझ कर लेट कर दिया क्योंकि मेरे पास ये वाला ऑयल उपलब्ध नहीं था, मैंने अभी कल ही लेकर आया तभी मैं आज डाल रहा हूँ। तो अब हमें चेक करना है कि इसका मोबिल ऑयल कितना कम हुआ जब हमारी गाड़ी 3000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब देखते हैं कि इसमें मोबिल ऑयल कितना कम हुआ है, क्योंकि चलते चलते इंजन जब इतना भी गर्म होता है तो मोबिल ऑयल भी जलता है, और जलने के बाद मोबिल ऑयल कम निकलता है। तो इसको हम चेक करते हैं, तभी आपको भी अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगी। यह है हीरो का ओरिजिनल इंजन ऑयल। बस तो भाई, जहाँ पे लिखा हुआ है 800 ml, ये 800 ml है और 900 ml यहाँ तक होता है, यानी कि 125 ml कम हुआ है इंजन से ऑयल मात्र 3000 किलोमीटर चलने के बाद, इतना कम हुआ है। और वैसे मेरा जो गाड़ी है वो ज़्यादा लंबा सफ़र चलता नहीं है, लेकिन जिसका लंबा सफ़र रोज़ डेली 70-80 किलोमीटर रोज़ अगर रनिंग होता है तो उसका और भी कम निकलेगा। मेरा तो बस 30 किलोमीटर, कभी कभी महागमा जाना हुआ तो 30 किलोमीटर, या फिर लोकल 5-10 किलोमीटर इतना रनिंग होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी वह भागलपुर गए तो 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर चला या 100 किलोमीटर तक। तो जिसका बराबर गाड़ी चलता रहता है हमेशा 80 या 90 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर भी बराबर चलता रहता है तो उसका मोबिल ऑयल ज़्यादा घटता है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंजन गर्म होगा उतना ही ज़्यादा मोबिल ऑयल कम होगा, और जितना इंजन कम गर्म होगा उतना ही कम मोबिल ऑयल घटेगा, उतना ही मोबिल ऑयल कम होगा। तो लोकल चलने वाले के ज़्यादातर ऐसा शिकायत नहीं आती है, लेकिन दोस्तों एक ज़्यादा दूर चलने वाले की ये सब शिकायत आती है। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया कि मोबिल ऑयल कितना कम हुआ। एक चीज़ है मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने कहा कि मैं खुद से गाड़ी की सर्विस करता हूं और शोरूम में जाके रसीद कटाता हूं, तो आपको ये कैसे करना है, क्या करना है आपके लिए, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आपको भी बता देते हैं।
तुमने अपनी गाड़ी का पहला सर्विस फेल कर दिया था, मैंने खुद से ही सर्विस किया था और मुझे रसीद कटाने में लेट हुआ क्योंकि बीच में फरवरी के लमसम में लॉकडाउन चल रहा था, तो मैंने दूसरा सर्विस अप्लाई किया। ऑनलाइन ही सर्विस ऐड होता है, हीरो की जितने भी गाड़ियां हैं सब ऑनलाइन सर्विस बुक ऐड होती है, तो दूसरा सर्विस मैंने बुक कराया ऑनलाइन और फिर तीसरा सर्विस मैंने कर दिया और फिर मैं जाके शोरूम में उसे भी उसका भी रसीद कटवा लूँगा। तो आपको करना है क्या है, देखिए अगर आप भी इस तरह का करना चाहते हैं, खुद से घर पे ही इंजन ऑयल चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो रसीद काटने वाले हैं, जो बिल काटने वाले हैं, कंप्यूटराइज बिल जो काटते हैं, सर्विस वाला सर्विस बुक में जो लिखते हैं, उनसे आपको संपर्क करना होगा, उनसे यारी दोस्ती रखना होगा आपको। तो हमारा यारी दोस्ती, हम एक मैकेनिक है तो हमारा मान भी लेते हैं, तो आपको भी कुछ पहचान ऐसा देना होगा, उनसे संपर्क रखना होगा, तो वो भी आपके साथ ऐसे कर देंगे, सर्विस बुक में लिख देंगे। बाकी अगर आप चाहें तो थोड़ा 10-20 रुपये देकर उससे काम करा लें अगर आप ये चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों आप शोरूम में ही डायरेक्ट कराएं तो बेहतर होगा, 4-5 सर्विसिंग जो देता है कंपनी वाले वो आप शोरूम में जाके कराएं बेहतर यही होगा, उसके बाद आप जहाँ करा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी की सर्विस जो वारंटी होता है वो बना रहता है और हमारा भी बना रहेगा क्योंकि मैं भी रसीद कटवा रहा हूँ। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ कासिम ओडो, झारखंड कूड़ा नरेली से।